हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कृष्ट फूड्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम ऑथेंटिक और यमी सा साउथ इंडियन स्टाइल सांभर पाउडर, जो कि बहुत ही इजीली घर पर बन जाएगा और आपको अभी बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाएगा। सभी इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करना है, तो सबसे पहले 2 बड़े चम्मच तूर दाल यानी अरहर की दाल मैंने रोस्ट कर लिया है स्लो फ्लेम पर एकदम, और गोल्डन हो जाए, खुशबू आ जाए उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। फिर मैंने 2 बड़े चम्मच चने की दाल को भी ऐसे ही रोस्ट कर लिया है स्लो फ्लेम पर, खुशबू आ जाए फिर आप उसे निकाल लीजिए। उसके बाद मैंने उड़द की दाल ली है 1 बड़ा चम्मच, उसमें भी अच्छा गोल्डन कलर आ जाए और उसमें से खुशबू आ जाए उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। सभी चीज़ों को आपको स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। फिर मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच काली मिर्च, आखी काली मिर्च ली है मैंने, उसे भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा खुशबू आ जाए उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। 2 बड़े चम्मच ले लिया है मैंने मेथी दाना, उसे भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है, रोस्ट हो जाने के बाद उसे भी हम निकाल लेंगे। फिर मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच राई, राई को भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा खुशबू आ जाए उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। उसके बाद मैंने ले लिया है 1.5 कप जितना धनिया, जो सूखा धनिया होता है वो लेना है, और फ्रेश लीजिएगा ताकि अच्छा खुशबू आए आपके सांभर पाउडर में से। इसे भी स्लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक खुशबू आ जाए, थोड़ा सा कड़क हो जाए उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। फिर लास्ट में हम ऐड कर देंगे ढेर सारे कड़ी पत्ते, ये कम से कम 20 से 25 होंगे। कड़ी पत्ता धो करके आपको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्पी हो जाएगा तब आप उसे निकाल लीजिए। उसके बाद 1 बड़ा कप भर कर मैंने जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है वो ले ली थी, उसकी जगह आप बेड़ की मिर्ची जो होती है वो भी ले सकते हो, और मैंने कम से कम 20 से 25 जो है कश्मीरी लाल मिर्च ली है कलर के लिए, उसे भी रोस्ट कर लीजिए स्लो फ्लेम पर। फिर गैस बंद करके 1 बड़ा चम्मच हमने हींग ऐड कर दिया है और उसे भी रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं रोस्ट करना है नहीं तो हींग जल जाएगा। उसके बाद आपको सब चीज़ों को मिक्स करके ठंडा कर लेना है एकदम अच्छी तरीके से, और फिर आप इसे ग्राइंड कर लीजिए एकदम फाइन पाउडर में और ये तैयार हो जाएगा। देखिए इसका कलर और टेक्सचर सब बाहर के पाउडर जैसा ही है। ज़रूर आप इसे घर पर ट्राई करेगा और इसे अच्छा वाला सांभर ज़रूर बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।